बहुत परेशान है जिस तरह से आपने ये वीडियो देखी। और ये लोग जो है मलान देसा के रहने वाले हैं और लगभग 7-10 किलोमीटर जो है पैदल एक महिला, 80 साल की महिला को उठाकर ये जो है रोड तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो है फिर प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है, यानी इनको एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। और यहाँ के MP जो हैं जितेंद्र सिंह राणा और उनसे ये उम्मीद लेकर बैठे हुए थे कि कम से कम हमारी रोड जो है सेक्शन होगी, हमें लाइटें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखो हमारे देसा से मरीज लाया जा रहा है डोडा के लिए, तो ये चल के आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप, कितने दूर से? हम पंचायत मलान 20 सेंखली से आ रहे हैं, चक्का एक नंबर से आ रहे हैं हम, जो कि मेरा नाम सुरजीत, मैं पेंच हूँ। लेकिन ना हमें रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। चलो बिजली की खैर रोड आ जाती तो बिजली ऑलरेडी आ ही जाएगी, लेकिन रोड की बहुत नसीबत है हमें। तो क्या आपको मतलब हफ्ते में कितने ये केसेस कितने उठाने पड़ते हैं? हफ्ते में सर हमें ये केसेस तकरीबन 3-4 केसेस हमें ऐसे लाने पड़ते हैं डोडा के लिए। अच्छा, तो कितने दूर से आए हूँ आप? हम तकरीबन 17 और 20 किलोमीटर के बीच में ये मतलब की सफर करते हैं। तो देखिए ये हालत है हमारे देसा वालों की, क्योंकि ना इनके पास कोई रोड है, ना लाइट है, ना इनके पास कोई सुविधा ही नहीं दी हुई है। तो उठा उठा के ये जो पेशेंट्स हैं इनको ला रहे हैं। तो अब पीछे कितना कितना किलोमीटर है पीछे? अभी ये हमें तकरीबन अभी जाना है कोई 2-2.5 किलोमीटर जाना है रोड के पास से। हम तो तकरीबन कोई 15 किलोमीटर सफर कर चुके हैं। हाँ, तो फिर सुबह 5:30 बजे तकरीबन हम घर से निकले हैं, जो कि अभी तक टाइम मेरे ख्याल में 11:30-12 बजे के करीब है। तो अभी भी हम रोड के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एक 80 साल की महिला जो है देसा के मलान एरिया की रहने वाली, उसको कुछ लोग जो हैं चारपाई पे उठाकर GMC हॉस्पिटल डोडा ला रहे थे। और तस्वीरों में आपने जिस तरह से देखा, और ये लोग जो हैं साफ तौर पे कह भी रहे हैं कि हमारे ना रोड है, ना ही कोई बिजली है और ना ही कोई पानी की सुविधा है। और लोग काफ़ी समय से काफ़ी नाराज़ हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, और लोग कई सारे लोग जो हैं इसी तरह दम भी तोड़ देते हैं। चलिए वहीं के रहने वाले एडवोकेट चुनीलाल जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये वीडियो हमने देखा, कुछ 3-4 दिन पहले का ये वीडियो है, जहाँ के वो लोग हैं, कितना दूर जो है यहाँ डोडा से रहने वाले? वो मलान जो है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और जो गई गांव है जहाँ तक अभी रोड पहुँची है वो 30 किलोमीटर दूर है। मैं कहेंगे मतलब कि एक 80 साल की महिला को वहाँ से हॉस्पिटल लाने के लिए कुछ लोग जो हैं चारपाई पे उठाकर लेके आ रहे हैं, और इतनी ठंडी हालत में, और कई लोग जो हैं दम भी तोड़ देते हैं इसी तरह से, क्या कहना चाहेंगे? क्यों? इसलिए कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 1970 के करीब देसा की रोड बनाने का प्लान बनाया गया था। यहाँ से पहले भागुआ पहुँची, फिर बेमणा पहुँची, फिर मिलिटेंसी वजह से वहीं पर रोक दी गई। इसकी बहुत सी वजह है। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की हुकूमत में उन्होंने वोटों की उसके लिए कि हमें प्योर वोट मिलेंगे, तो वो देसा को रामन कंस्टिट्यूंसी से मिला दिया। चूँकि रामन कंस्टिट्यूंसी यहाँ से बहुत दूर है, जिसको भी आना पड़ता है वो पहले डोडा आता, फिर बटोत जाता, फिर रामन पहुंचता है। तो वहाँ हमारी इलाके की कोई आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, और रोड बड़ी मुश्किल से गई तक पहुंची है। वहाँ से आगे अभी जो थाना चंडबटान गोरखंड रोड जानी थी, दूसरी बेमणा से ब्रह्मदार शेखली और मलान जानी थी, उसके बारे में अभी किसी ने कुछ नहीं सोचा है। अब नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की हुकूमत तो चले गई, अब BJP की हुकूमत आई, और BJP हुकूमत में हमारा MLA रामन बैठता है, उसको कोई चिंता नहीं। वो जब वोट होते हैं तभी वहाँ आता है। और हमारे जो MP साहब है जितेंद्र सिंह डॉक्टर, जो PMO के दफ्तर में ज़्यादातर रहते हैं, उनको उन्होंने कभी भी इस तरफ का रुख नहीं किया। आज उसको 8-10 साल हो गए, पहले 5 साल की कंस्टिट्यूंसी में आया, फिर दोबारा आया, लोगों ने उसको तो लोग जानते नहीं थे।
लेकिन मोदी साहब की वजह से उसको वोट मिले और वो ये सोचता कि आगे भी उसको ऐसे ही वोट मिलेगा। अब ऐसी बात नहीं, आगे के लिए उसको किसी ने वोट नहीं देने, चाहे वो कठुआ हो, चाहे सांबा हो, चाहे डोडा हो, क्योंकि वो इधर कभी चक्कर लगाता ही नहीं, उसको वोटरों की कोई फिक्र नहीं है, वो बड़ी बड़ी प्रोजेक्टों की बात करता है। कहता था कि यहाँ पे नितिन गडकरी और वो साथ में आए थे और बहुत सारे 11,000 कुछ रोड प्रोजेक्ट और देसा के लोग जो हैं ये उम्मीद लेकर आए थे कि ताकि हमारी भी कोई रोड वहाँ पे सेक्शन हो जाए, ताकि आसपास वाली जो पंचायतें हैं, जो लोग जहाँ पर रहते हैं वो भी उनको कोई सुविधा मिल जाए या इस तरह की बात हो। क्योंकि जब भी वोट लेने की बात आती है तब वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस समय जब उनकी ज़रूरत है आपको और अब जो है चार पहियों पर उठाकर बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल लाना पड़ता है, क्योंकि ये काम होता है एमपी और एमएलए का कि वो हम सेंट्रल मिनिस्टर को पहले ही ब्रीफ करे कि भाई कहाँ कहाँ की जो रोड ज़रूरी है उसको निडगरी को किसी ने गाइड ही नहीं किया कि देसा की भी एक अहम रोड है जो आने वाले वक्त में कश्मीर के साथ इस डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा को मिलाने वाली है, किसी ने नहीं बात की, इसलिए हमारी बात नहीं हुई। 2019 फरवरी में जैसा कि रोड की जो आगे की रोड है गई से थाना और भाटा, उसकी जो निकली थी फाइल बनी थी फॉरेस्ट क्लियरेंस की, जो आज तक कई बार आई और कई बार जाई, आज तक उसकी क्लियरेंस नहीं हुई। अभी मुझे मैं मुबारकबाद देता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने कि अब वो 3-4 दिन पहले उसकी सेंक्शन आई है चंडीगढ़ से, और अब हम ये देखना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू वाले कब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो जो अमाउंट जमा करना पड़ता है वो आएगा, फिर जो कब सेंक्शन होगी, फंड कब आएंगे। जो हमारे पहले जो वहाँ के ठेकेदार थे जिसने गई तक काम किया था, 40 लाख रुपए उसकी पेंडिंग अभी लायबिलिटी है, वो भी अभी देनी है। तो अब मलान शेखली की तो बात ही नहीं है, गई के आगे कहीं भी रोड नहीं है। जो भी काम होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग अपने पेशेंट जो पे उनके पेशेंट होते हैं उनको पालकी से उठा कर लाते हैं गई तक। एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मैंने आपके देखे जो बीजेपी के साथ हैं और इस तरह से फेसबुक पे लिखते भी हैं कि देसा मस्ट देसा फास्ट, क्या लगता है आपको कि सिर्फ लिखने से या उनके साथ रहने से उन लोगों को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है अभी भी? देखो ऐसा है कि वो जो नए नए उनको बड़ी मुश्किल से वो जगह मिली है, वो सिर्फ अपने अपनी वो तस्वीरें दिखाते हैं मतलब कि पब्लिक को और फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको अभी वो ना वो लियाकत है कि वो काम करा सके, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं परिहार कोशिश कर रहा है कि हमारी जो देसा का इलाका वो डोडा की कंस्टिट्यूंसी से मिले, आगे क्या होता है। लेकिन जितेंद्र साहब को ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उसको इस इलाके से पूरे सराज से कहीं उसको वोट मिलेंगे। मोदी साहब के लिहाज से उसको 2 बार वोट मिल गए हैं, आइंदा के लिए उसको कोई यहाँ से वोट नहीं मिलने वाला है। चलिए, ये थे चुन्नीलाल ठाकुर और जिस तरह से इन्होंने बताया, और वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से क्योंकि एक बुज़ुर्ग के पीछे जो है उन लोगों को उठाकर लाना पड़ता है हॉस्पिटल के लिए आज के दौर पे भी, और उम्मीद ये रखते थे कि कम से कम हमारी बात जो है सुनी जाए और हमारी रोड जो है उस एरिया में सेंक्शन हो, लाइटें हों, बहुत सारी चीज़ें हों, और आज भी 1 फुट से ज़्यादा उस एरिया में जो है बर्फ़ पड़ गई है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। उम्मीदें टूट चुकी हैं और बस घरों से ही बैठकर लोग जो हैं वीडियो कभी हमें भेज देते हैं और हम जो हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा क्या कोई एक्शन होगा, क्या इस तरह की कोई चीज़ें होंगी, क्या वहां पर कोई इस तरह का हेल्थ सेंटर सही तरीके से मेंटेन किया जाएगा, क्या देसा के लिए कोई इस तरह से एक नया कदम उठाया जाएगा, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि इतने लोग जो हैं अपनी जानें जो हैं चार पहियों पर तो दम तोड़ देते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है एम्बुलेंस तक नहीं मिलती क्योंकि उस एरिया को इतना इग्नोर किया गया है कि जहां पर सोचिए आज भी लाइट नहीं है और लोग जो है तड़पते रहते हैं कब हमारे गांव में लाइट आएगी, कब हम ये लाइट देखेंगे, अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास टोडा।